ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशी और आप देख रहे हैं बाउंड टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कल यानी कि 4 दिसंबर का ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे, बाद में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। सो आपको क्या है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल सके और ट्रेड करने में आसानी हो। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और हम क्या है कि इंडिकेटर पे एक सीरीज बना रहे, बाद में उसमें स्ट्रेटेजी ऐड करने वाले, और अच्छा रिस्पांस मिला तो हम उसमें प्राइस एक्शन भी ऐड करेंगे। तो अगर आपको कुछ नॉलेज लेना है, कुछ लर्निंग करना है, तो सिंपल सा तरीका है, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। अब हम आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा के ऊपर। जो हमारा निफ्टी है वो 11,950 से लेकर 12,000 के बीच में कहीं क्लोज हुआ। हम कॉल साइड से रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे, पुट साइड से सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो मैं कॉल साइड देख रहा हूं तो सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप मेरे को 12,100 के लेवल पे दिख रहा है, तो ये मेरे रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। बाद में हम पुट साइड आ जाते हैं तो पुट साइड मेरे को सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप 11,900 पे दिख रहा है, तो ये मेरे सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। तो ये तो हो गए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब देखते हैं मार्केट कल कौन सा मूव दे सकता है। तो अब हम देखेंगे कॉल साइड से हमें लॉन्ग पोजिशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मार्केट जाएगा अप, लेकिन कॉल साइड मेरे को कोई ऐसी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई नहीं दिख रही। बाद में हम पुट साइड आ जाते, अगर पुट साइड मेरे को लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मार्केट जाएगा डाउन, लेकिन पुट साइड हमें कोई ऐसी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई नहीं दिख रही। बाद में हम फिर से कॉल साइड आ जाते, अगर कॉल साइड मेरे को शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मार्केट जाएगा डाउन। तो कॉल साइड मेरे को शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही है तो मार्केट डाउन जाने के चांसेस है। बाद में हम पुट साइड आ जाते, अगर पुट साइड मेरे को शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मार्केट अपसाइड जा सकता है। तो पुट साइड भी मेरे को शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने 4 पॉइंट देखे, 2 में से कुछ नहीं मिला, 1 पॉइंट डाउन का मिला, 1 पॉइंट अप का मिला। तो इसका मतलब यह होगा कि मार्केट कल अनडिसीजनल या तो ऊपर नीचे दोनों साइड मूव दे सकता है। तो ये हो गई निफ्टी की ऑप्शन चेन एनालिसिस। अब हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा के ऊपर। इसमें भी हम सेम कॉल साइड से रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे, पुट साइड से सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जो हमारा बैंक निफ्टी है 31,600 से लेकर 31,700 के बीच में कहीं क्लोज हुआ है। तो हम कॉल साइड देख रहे हैं तो कॉल साइड सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप मेरे को 32,000 पे दिख रही है, तो ये मेरे रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगी। बाद में हम पुट साइड देख रहे हैं तो पुट साइड मेरे को सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप 31,000 पे दिख रही है, तो ये मेरे सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। तो ये हो गए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी कल कौन सा मूव दे सकता है। तो अगर मैं कॉल साइड देखूं, वहां मेरे को लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मार्केट जाएगा अप, यानी कि बैंक निफ्टी जाएगा अप, लेकिन ऐसा कोई मेरे को सिनारियो वहां दिखाई नहीं दे रहा है। बाद में हम आ जाते हैं पुट साइड। अगर पुट साइड मेरे को लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बैंक निफ्टी आपको जाएगा डाउन, लेकिन पुट साइड में देख रहा हूं तो इधर मेरे को थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही है, तो मार्केट डाउन जाने के चांसेस इस पॉइंट से है। बाद में हम कॉल साइड आ जाते, कॉल साइड मेरे को शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मार्केट जाएगा डाउन। तो कॉल साइड मेरे को शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही है, तो इसका मतलब यह होगा कि मार्केट डाउन जाने के चांसेस है। बाद में हम फिर से पुट साइड आ जाते, अगर पुट साइड मेरे को शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो हमारा बैंक निफ्टी है वो अपसाइड जा सकता है। तो शॉर्ट पोजीशन मेरे को इधर दिख रही है सभी स्टॉक प्राइस पे, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको इसमें अपसाइड जाने का चांसेस भी है। इन सिंपल हमने 4 पॉइंट देखे, 4 में से 2 पॉइंट डाउन के मिले, 1 पॉइंट अप का मिला और 1 पॉइंट में कुछ नहीं मिला। इन सिंपल बैंक निफ्टी आपको कल एक डाउन साइड मूवमेंट दे सकता है। तो ये हो गया हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस। अब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। तो पहले आज का परफॉर्मेंस देख लेते हैं, बाद में कल का देखेंगे। तो आज क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ रेड में, बाद में एक नीचे थोड़ा डाउन साइड देखने को मिला, बाद में थोड़ी एक अपसाइड की कैंडल बताई। जो ये अपसाइड की कैंडल थी ये हमारे क्या थी, सपोर्ट लाइन के आसपास, उसको ब्रेक करके नीचे गया, थोड़ा ऊपर आया और इस पे ही रेजिस्टेंस लेके, इधर कहीं देखो आप, इस पे ही रेजिस्टेंस लेके, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ तो आपको देख, इधर ही रेजिस्टेंस लेके ये नीचे चला गया। तो हमारी एंट्री इधर कहीं से हुई थी, और बाद में अगर इसमें हम देखें तो हमारी क्या है कि ये जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन है ना, वहाँ ये सपोर्ट लेके ऊपर आया है। तो ये भी है कि आपको इसमें आपको देखना पड़ेगा कल क्या हो सकता है। तो अब हम कल की बात करें,
मान लेते हैं कि कल मार्केट ओपन होके थोड़ा डाउन साइड देता है, अगर ये डाउन साइड देता है और ये जो इस लाइन के आसपास है जो 11,960 है वहां ये सपोर्ट लेके ऊपर जाने का साइन देता है, तब हम इसमें बाय में आ सकते हैं। बाद में हम रेजिस्टेंस की बात करें, अगर ये इस लेवल के आसपास जो 12,020 का लेवल है वहां तक जाके फिर से नीचे जाने का साइन देता है तब हम इसमें सेल में आएंगे। उसके ऊपर देखेंगे थोड़ा दूर है, लेकिन जो हमारा उसके ऊपर का रेजिस्टेंस है वो 12,100 का है, उसकी अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो दूर है। बाद में चलो मान लेते कि इससे भी नीचे चला गया तो बाद में जो हमारा सपोर्ट होगा वो 11,900 का होगा। बाद में अगर ये 11,900 पे कोई रिवर्सल साइन दे दे तब हम इसमें बाय में आ सकते हैं, लेकिन प्रॉपर रिवर्सल साइन होना चाहिए। और एक और है, अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे चला गया और आज जैसे किया इस लाइन को ब्रेक करके नीचे चला गया, थोड़ा ऊपर आया और इसी पे ही रेजिस्टेंस लेके नीचे जाने का साइन देता है, तब भी आप इसमें सेल में जा सकते हो। इन सिंपल जो निफ्टी में हमारे सपोर्ट होंगे वो कौन से होंगे, पहला होगा 11,960 का लेवल, बाद में उसके नीचे होगा 11,900 का लेवल। रेजिस्टेंस कौन से होंगे, पहला रेजिस्टेंस होगा 12,020 का लेवल, उसके ऊपर का रेजिस्टेंस होगा 12,100 का लेवल। तो ये हो गए हमारे निफ्टी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हम बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। तो अब हम आ चुके बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, तो पहले आज का परफॉर्मेंस देख लेते बाद में कल का देखेंगे। तो आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ रेड में, बाद में नीचे गया, जो हमारी क्या है कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन थी वहां थोड़ा सा सपोर्ट लेके ऊपर आया, प्रॉपर सपोर्ट नहीं था इसीलिए हम इसमें बाय में नहीं आए थे। बाद में हमारी जो सपोर्ट लाइन थी वही उसकी रेजिस्टेंस लाइन बन गई और बाद में उसको टच करके नीचे चला गया, बाद में आपको एक डाउन साइड देखने को मिली है। तो ये था आज का परफॉर्मेंस। अब कल क्या हो सकता है वो देख लेते। अगर मान लेते कि ये ऊपर जाता है मॉर्निंग में तो जो हमारी पहली रेजिस्टेंस लाइन होगी वो 31,770 का लेवल होगा। अगर ये वहां से नीचे आने का कोई सिग्नल देता है तब हम इसमें सेल में आ सकते हैं। बाद में हमारे सपोर्ट कौन सा होगा, पहला सपोर्ट कौन सा होगा, जो हमारा पहला सपोर्ट होगा वो 31,470 होगा। अगर ये इस पे सपोर्ट लेके, ये जो लाइन है इस पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने का साइन देता है तब हम इसमें बाय में आएंगे, वरना जो है अगर ये मॉर्निंग में नीचे जाता है, ये इसको ब्रेक करके नीचे चला गया, थोड़ा ऊपर आया और इसी पे रेजिस्टेंस लेके नीचे जाने का सिग्नल देता है तब भी हम इसमें सेल में जा सकते हैं। इसके बाद का जो लेवल है वो 31,250 का है, लेकिन उसको हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि वो तो क्या हो सकता है कि कल ये आपको एक्टिव हो ये लेवल। तो आज के लिए जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मेन है वो 31,770 का लेवल है, वो रेजिस्टेंस है। बाद में जो सपोर्ट है वो 31,470 है। अगर उस पर कुछ आपको बाय या सेल के प्रॉपर सिग्नल मिलते हैं तब आप इसमें बाय या सेल कर सकते हैं। तो ये था हमारी ओर से छोटा सा वीडियो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस, जिससे आपको आइडिया आएगा कि कल क्या करना है। तो अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे। सो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। और हम क्या है कि इंडिकेटर पे एक सीरीज बना रहे, बाद में उसमें स्ट्रेटेजी एड करेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम उसमें प्राइज एक्शन भी एड करने वाले हैं। तो सिंपल है, अगर आपको कुछ लर्निंग करने कुछ जानना है तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।